हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धर्मिष्ठा। आज आपके लिए मैं कुछ और लेके आई हूँ। यहाँ पे मैं हर एक तरह के अलग अलग वीडियो लाती रहती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ, व्लॉग भी शेयर करती हूँ। और मेरा इंस्टा आईडी है, उस पर ज़रूर से मुझे फॉलो कीजिएगा। तो आज मैं जो मेरी बालकनी का एरिया है उसे क्लीन करने वाली हूँ। तो सारे पहले तो मैंने प्लांट्स से उसे अच्छे से नीचे रख दिए थे और इसका शॉर्ट भी बनाया हुआ है, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। तो ये देखिए, सारे अलग अलग मेरे पास प्लांट हैं और सारे मैंने गमले में नहीं लगाए। मेरे पास जो चीज़ें होती हैं उसे ही मैं डेकोर करके लगाया करती हूँ। जैसे कि कई जो टूटी हुई बाल्टी है उसमें रखे हैं, कई जो हमारे पास किचन में रखने के लिए जो प्लास्टिक के टब वगैरह होते हैं, डिब्बे, उसे मैंने डेकोर करके रखा हुआ है। और जो सारे प्लांट है ये वो यूज़फुल प्लांट है, कोई ऐसे नहीं है कि मैंने डेकोर पर्पज़ से रखा है। देखिए, ये आप देख रहे हैं स्नैक प्लांट, वह ज़्यादातर है। और ये है डमरा, तो इसे क्या कान में कोई तकलीफ़ होती है ना, तो वो इससे मुझसे ही मदद की जाती है। यहाँ पे जितने टाइल्स है वो सारी मैंने वॉश कर दी है। और जो साड़ी मैंने साड़ी लगाई हुई थी, क्योंकि मेरे पास जो साड़ी पुरानी पड़ी हुई थी उसे मैंने जो हमारी जो बालकनी का खुला हिस्सा है वहाँ पे मैंने ये साड़ी लगाई हुई थी, तो वो सारी साड़ी भी हटा ली है। और इसमें जो उसके फूल निकल आए हैं डमरे के, वह सारे मैं गमले में ही डाल दूंगी। ये देखिए ऑयल कंटेनर है, तो उसे भी मैंने कट करके फिर उसे जो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी तो नहीं है, फिर भी मुझसे जैसे बन पाई वैसे ड्राइंग की हुई है। और ये स्केच पेन से करा हुआ है और थोड़ा वाइट कलर मेरे पास था तो उससे इस तरह से स्माइल बना दी है। फिर ये देखिए, इसमें से अभी मैंने कटिंग करके लगाया है, देखूंगी अच्छे से होगा तब मैं आपके साथ वह भी शेयर करूंगी। और हाँ, दूसरी बात ये थी, जो मेरी अजवाइन है वो बहुत ही अच्छी हो गई है, तो अजवाइन को मैंने इस तरह से रखा हुआ है, जैसे कि उसका ग्रोथ ज़्यादा होता है तो वो ऊपर के हिस्से में अच्छी लगेगी। और ये एक इस तरह से प्लांट है, अभी बहुत धूप आ रही है इसीलिए मैंने ग्रीन नेट लगाई हुई है। मेरी जो ग्रीन नेट है वो बहुत पुरानी हो गई है, उसे भी मैंने अभी ठीक कर रही हूँ। जैसे जैसे वो ठीक करती जाऊँगी वैसे मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करती रहूँगी। फिर जो आप मटका देख रहे हैं, उसे मटका है वो मैं जो हमारे पूजा पाठ है उसमें यूज़ करती थी, उसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो उसके लिंक भी आपको मैं यहाँ कहीं या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वो ज़रूर से आप देखिएगा। तो वो भी मैंने यहाँ पे बाहर ही जो हमारा स्टडी छोटा टेबल था डेस्क जैसा, वो उसके ऊपर मैंने रख दिया है, तो वो भी बहुत बढ़िया लग रहा है। तो देखिए, इसी तरह से हमारी जो छोटी बालकनी होती है उसमें हम किसी भी बेकार चीज़ है उसमें हम रख के प्लांट लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। जितनी ग्रीनरी हमारे वहाँ होगी उतना हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है। ये देखिए, थोड़े बहुत है, केयर नहीं ले पाई उसकी वजह से बिगड़ गए हैं, तो उसे मैं थोड़े थोड़े करके कट करके दूसरे गमले में लगा दूंगी। क्लीनिंग करते करते शाम हो गई थी तो मैं ज़्यादा सूट नहीं कर पाई। ये दूसरे दिन मॉर्निंग का वीडियो है, तो अभी क्या है, ये ड्रेसिंग टेबल है, यहाँ से हटा के मैं दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दूंगी। और हाँ, ये दूसरा सामान है वो गेहूं का है, अभी मैंने रिसेंटली अपलोड किया है, वो भी वीडियो आप देख सकते हो कि गेहूं को हम पूरे साल कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये सारा काम भी मुझे शाम को करना था इसलिए मैंने इसे अभी साइड में रखा है, क्योंकि अभी जो कस्टर्ड ऑयल है वो भी लाना है और वो लाने के बाद ये काम होगा। और बस अभी मेरे पीछे वाला जो कमरा है तो वो ड्रेसिंग टेबल वहाँ से शिफ्ट करके दूसरे कमरे में रखने वाली हूँ, और ये सारी क्लीनिंग भी बाकी है। और अभी 9 बजे के ट्यूशन आने वाला है, तो अभी मैं जितना भी जल्दी हो सके ये सारा काम निपटाने वाली हूँ। और बस यही काम निपटाऊंगी वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, मेरा ड्रेसिंग टेबल मैं यहाँ से दूसरे कमरे में क्यों ले जा रही हूँ, ये कमरा देखिए चारों तरफ से बंद है और यहाँ पे फैन है नहीं, यानी फैन तो है पर वो अच्छे से, यहाँ पे गर्मी बहुत लगती है। जब भी हमें ड्रेसिंग टेबल के आगे तैयार होना होता है तो हम यहाँ बैठ भी नहीं सकते, उतनी गर्मी होती है इस कमरे में। इसी वजह से मैं ये ड्रेसिंग टेबल यहाँ से दूसरे कमरे में शिफ्ट कर रही हूँ, जैसे कि बच्चों को या मुझे भी चेंज करना हो या रेडी होना हो तो कोई भी दिक्कत ना आए। ये सामने वाली जगह है वहाँ पर मैं शिफ्ट कर दूंगी। देखिए, कृष्णा अभी उठी है और उठ के बस वह दूध चाय नाश्ता कर रही है, तो वो फिनिश करके फिर ये जो डबल बेड है वो सब वो ठीक करेगी। बस मैं ड्रेसिंग टेबल यहाँ पे रख के, यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल लगाना था तो वो लगा दिया है और यहाँ की क्लीनिंग अच्छे से हो गई है।
और बेड वगैरह है वह कृष्णा ने अच्छे से कर दिया है। ये करते करते बच्चे आ गए थे ट्यूशन के, तो फिर बस मैंने ये आधा अधूरा छोड़ दिया और बाकी सब कृष्णा ने काम कर लिया था। ये जो कार्डबोर्ड का बॉक्स देख रही है ये घर पे ही बनाया है। इसका DIY मैं आपके साथ थोड़े ही टाइम में शेयर करने वाली हूँ। तो बस आज मेरा इतना काम था वो निपटा लिया, और उसके बाद मेरी थोड़ी साफ़ सफाई क्लीनिंग थी वो सब किया है। और दूसरा एक वीडियो चैनल है उसका वीडियो है, उसी के जो मुझे स्क्रिप्ट लिखनी थी उसे लिखने के लिए मैं बैठ गई थी। तो बस ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए।